आशिक लोग जो है अपना नाम तो छाप के ही जाते भैया, ये देखो ठीक है ना। उनको तो शायद मेरे ख्याल से तसल्ली नहीं मिलती अगर कुछ ना कुछ ऐसा हरकत ना करे तो। मतलब बनाया हुआ चीज़ नहीं है, जो मेसोपोटामिया से आया हुआ चीज़ है, मतलब बहुत पुराना है, जो कि मान लो 3000 BC पुराना चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रॉनी टू, फिर एक बार आपको स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम जा रहे हैं जबल अफीद पे। यह है माउंटेन है, ISP पॉइंट है, जहाँ पर हम आज जाएंगे विजिट करेंगे। ओके, अभी हम निकले हैं यहाँ से बुर्जुमान से, जो करीबन 2 घंटे का रास्ता तय करना होगा हमें। 190 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, ठीक है, बस 2 घंटे के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम मिलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िएगा। मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डुकाटी। सो दोस्तों, अभी हमने पकड़ा है जबल अफीद का रास्ता, यहाँ पर है सामने आपको नजर आ रहे हो माउंटेन, इस माउंटेन के ऊपर हमें जाना है आगे। दोस्तों ये जो नज़ारा है, जैसे लद्दाख गया था मैं तो लद्दाख में जो माउंटेन है उसी तरीके का लग रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है दोस्तों, बताइए कमेंट करके ज़रा। रास्ता तो इतना खतरनाक बनाया हुआ है, घूमते 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 हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है, फुल राउंड 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 करते हुए। ये मिट्टी भी यहाँ की अजीब है, पत्थर मिट्टी अलग ही है। सो दोस्तों हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और अभी भी करीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर रह गया है ऊपर चढ़ने में, और ये अभी 4500 फीट की ऊंचाई पर है। सो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे इस ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, क्या शानदार लग रहा है दोस्तों। ये है पार्किंग इलाका है पूरा, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी है, सामने देख सकते हो आप यहाँ पे उस एरिया में। ओके, यहाँ शायद कैफेटेरिया है वो वाला, और ये पैदल पैदल पता नहीं है प्राइवेट रास्ता या पब्लिक तो नहीं लग रहा, प्राइवेट लग रहा है क्योंकि क्लोज्ड है वो चीज़। हम यहाँ पे उस एरिया में बैठ सकते हैं कॉर्नर्स पे, और इस एरिया में कॉर्नर्स पे बैठ के हम लोग नहा कर नीचे का नज़ारा सारा देख सकते हैं। एक उधर होटल है सबसे बड़ा, आपको वहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगा इस तरीके से बंद करके रखा हुआ, क्लोजिंग है इधर। ओके, तो इसी कारण की वजह से हम उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि नीचे गिरने का खतरा भी है। तो ये प्लेस है, यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ये एक साइड में पूरा का पूरा डेजर्ट है। ओके, जूम कर रहा हूँ मैं, जानता नहीं कितना नज़र आएगा दोस्तों टिप पे। और एक साइड में इस तरफ देखो आप सिटी देख सकते हो। ओके, खूबसूरत जो डिज़ाइन यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये लोगों की जानकारी के लिए लाइट्स यहाँ पर है, ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। वेस्ट साइड उस तरफ है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ लेना यहाँ पे। ओके, जबल अफीद माउंटेन जो है अबू धाबी एमिरेट्स के अंदर है, 1300 मीटर्स का मतलब अराउंड 4500 फीट की ऊँचाई पर है। ओके, और ओमन के बॉर्डर पर है, ठीक है। कितना बता रहा है, इस माउंटेन रेंज 17 किलोमीटर है लेंथ, और 4 किलोमीटर की विड्थ है उसकी, और ऊंचाई तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो फीट में आप चेंज कर सकते हो, फीट से कल किलोमीटर में चेंज करो, मीटर से भी कर सकते हो, मतलब 1.3 किलोमीटर का ऊंचाई है। और बाकी सारा जो डिटेल्स है एक बार पढ़ लीजिए, आपको मैं आपको ऐसे ही नज़ारा दिखा देता हूँ, चेक कर लीजिएगा। लोगों के बैठने के लिए बढ़िया ऐसे जो चीज़ें बनाए हुए हैं लकड़ी के, मतलब लोहे का और लकड़ी का। ओके, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, मतलब इवनिंग टाइम स्पेंड अगर करना है किसी को तो बहुत मस्त है दोस्तों, आराम से बैठ सकते हैं, चीज़ें लाके अपना खाना पीना सब चीज़ें करके यहाँ का नज़ारा का लुत्फ़ उठा के यहाँ का जो मौसम है उसको भी फ़ायदा उठा सकते हो। बढ़िया से देखो क्या शानदार सिटिंग है यहाँ पे, मस्त सिटिंग है, अवेलेबल है। एक और साइड में मैं आया यहाँ पे, देख लो। सच में दोस्तों अपना देश तो अपना है, यहाँ पर अगर आप आओगे, चलो हम आ गए यहाँ तक, गाड़ी आ गए यहाँ पे, देख लो पूरा बंद है, कहीं खुला नहीं है, कोई मस्ती नहीं हो पाती है। जो मस्ती हमने जो आपको दिखाई थी मसूरी में, वो मस्ती यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पक्का मुझे बंद होना पड़ेगा कहीं चीज में, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब बिल्कुल ये मान लो कि शुगरलेस है, सॉल्टलेस है,
तो यही जिंदगी है यहाँ पे, बस आ गए, देख लिया, चले गए, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, याद रखना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा देख लेना, गाड़ी जो है ये जो गाड़ी यहाँ पे सामने खड़ी है, ठीक है, ये पार्किंग लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये जो है यहाँ पे रोड है। अगर मान लो मुझे वहाँ से पार्किंग अगर इधर लगाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे ला के नहीं लगा सकता, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकल तो ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के थ्रू मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, समझ गए ना, ऐसे आके, और उस पार्किंग में जाना है तो मुझे पूरा एक राउंड जाके यहाँ से ला के इधर आना पड़ेगा। कहीं से भी बीच में से गाड़ी को कहीं ऐसे नहीं ला सकता हूँ, समझ गए ना। तो ये यहाँ का डिसिप्लिन है, लाइन पे ही जाना पड़ेगा। लाइन को अगर क्रॉस करने कोई कोशिश तो करेगा नहीं, सबसे पहली बात है, कोशिश करेंगे तो हाल पकड़ में आ जाएगा और फाइन लग जाएगा, और फाइन भी इतना खतरनाक है कि दोस्तों मतलब मान लो कि महीना भर का तनख्वाह भी निकल जाएगी ये बंदे के हाथ से। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाता है और अच्छे से डिसिप्लिन से चलता है। सामने है वाह कीमत जबल अफीद कैफेटेरिया, ओके, अंदर जाके देखते हैं अगर मौका मिले तो, ठीक है। सामने है खूबसूरत टॉयलेट, ओके, और ये माउंटेन, ये देख लो क्या खतरनाक तरीके से इसको खाटा है, मतलब बिल्कुल ही लेवल बना दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पार्किंग एरिया, मतलब लोगों के घूमने फिरने का, और ये छोटे बच्चों के खेलने का एरिया बना हुआ है। चलिए सामने मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सिटी का नज़ारा, एक और साइड का जो नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ और ईस्ट साइड है, ये आपको नज़ारा यहाँ पे मिलेगा, ये देख लो दूर आपको बसा हुआ शहर नज़र आ रहा है, और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये जो इलाका खाली है। यह है खूबसूरत जगह है, लकड़ी का जो बना हुआ है यहाँ पे चारों तरफ से गोल गोल में है, यहाँ पे सिटिंग दिया हुआ मस्त, बहुत शानदार लगेगा, क्योंकि जब लाइट्स यहाँ पे जलेंगे उस एरिया में, अभी तो फिलहाल यही तो प्रॉब्लम है जो हर जगह पे ब्लॉकेज है, ये जो सिटी को हम आराम से खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। सामने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, नो राइटिंग ऑन द वॉल्स, ओके, दीवार पे लिखना मना है, उसके बावजूद भी कुछ जो लोग होते हैं पता नहीं कैसे पागल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनके हाथ में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता पता नहीं, देख लो लिखा हुआ है, ये देखो आशिक लोग जो है अपना नाम तो छाप के ही जाते भैया, ये देखो, ठीक है ना, उनको तो शायद मेरे ख्याल से तसल्ली नहीं मिलती अगर कुछ ना कुछ ऐसा हरकत ना करे तो। ये पत्थर देख लो है ना, ये इसमें से शायद मेरे ख्याल से पानी वानी निकलता हुआ, देखो अलग ही है, ये वाइट कलर का स्टोन है, अजीब कलर का स्टोन है, देख लो वहाँ पर है, जैसे ये वाला देख लो, ये देखो ये देखो, ओ भाई मेरे तब बहुत टाइट है, ये देखो अजीब है, बहुत ही शाइनी, यहाँ जो मान लो इसको है ना गांव में पता क्या करते हैं हम लोग, इस पत्थर को बिल्कुल पाउडर बना के उस पर हम लोग अपने हाथ हथियार को हम उसको शार्प करते हैं, ऐसा पत्थर है वो, ठीक है, यहाँ पर भी वही पत्थर है, पूरा जो हिस्सा है वही पत्थर का है, आपको मिलेगा यहाँ पे पूरा वही है, बट जिस तरीके से कटिंग करा है ना, मतलब बढ़िया कटिंग करके इसको यहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन करा है, ये कभी टूटने वाला नहीं लग रहा मुझे, बहुत ज़्यादा तगड़ा है ये पत्थर। देखो यहाँ सिटिंग है, लोग चाहे तो यहाँ पे बैठ सकते हैं खाना वाना खाने के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं बारबेक्यू वगैरह लेके आ जाते हैं, आपको ये दिख रहा है काला काला, यहाँ पे ये एरिया में लोगों ने क्या कर दिया बारबेक्यू रखा है, कोयला जलाया हुआ है, बारबेक्यू बना के यहाँ पे का, इसलिए तो ब्लैक लग रहा पूरा यहाँ पे पत्थर, ठीक है, अलाउड है खाना वाना बनाने के लिए बैठ के टाइम पास करने के लिए। ये जो इक्विपमेंट यहाँ पे जो डला है, ये माउंटेन क्लाइंबिंग का जो एक छोटा सा सैंपल है, ये देख सकते हो छोटे बच्चे है ना माउंटेन क्लाइंबिंग सीख सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पकड़ के, ओके, इसमें यहाँ पे पैर वगैरह रख के हाथ रख के ऐसा करके माउंटेन क्लाइंबिंग करके ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से नीचे उतर सकते, पूरा राउंड में है, देखो बढ़िया मॉडल है यहाँ पे, देख बच्चों का खेल चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी बंद है ये भी बंद है, तो आज यहाँ अंदर जाने का कोई मौका नहीं है, हल्का होने का भी मौका नहीं है, ऊपर चढ़ते हैं, चलो सीढ़ियाँ बहुत भारी है इसकी, तब भी थोड़ा सा ट्राई मारते, पेट में जो है खाना वो तो हजम हो जाएगा। ओह बराबर ही है दोस्तों, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले वहाँ थे, वो दिख रहा है आपको वहाँ पे होटल भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, वो कैफेटेरिया जो बनते हैं उस तरफ, बस वहाँ से एक राउंड काट के यहाँ पर आ गए, वाह यहाँ नज़र आ रहा है होटल, शानदार नज़ारा, खूबसूरत है, देखो एक वहाँ पर है होटल और एक होटल का एंट्री यहाँ पर है दोस्तों, शायद होटल भी होगा, और एक होटल ऊपर की तरफ है, काफ़ी यहाँ जो है फुल वगैरह मस्त दे दिया, देखो पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, और इस एरिया में देख लो कोयला ही कोयला है सब जगह, यहाँ पे पूरे एरिया में लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खाना बना के
खाते हैं तो ये नज़ारा आपको कॉर्नर पे दिखाई देता है। यहाँ पे बैठो, खाना बनाओ, नज़ारा देखो, मस्त। ये देखो दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दुबई भैया अभी।